वेलकम टू डीके वीडियोस। बच्चों आज अपन पढ़ेंगे मैप, हाउ दे हेल्प अस, यानी कि जो मैप होता है वो हमारी कैसे मदद करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैप क्या होता है। तो मैप किसको बोलते हैं? मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि ये जो पृथ्वी का धरातल है उसको शो करता है, उसको अपन मैप कहते हैं। अब जो मैप होता है वो फ्लैट सरफेस में होता है, जिसको स्केल के द्वारा अपन शो करते हैं। अब स्केल क्या होती है इसके बारे में अपन आगे डिटेल से देखेंगे। अब देखते हैं अपन कि ये मैप कंपेयर विद ए ग्लोब, ग्लोब और मैप में क्या अंतर होता है, क्या एडवांटेज होते हैं मैप में, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो मैप पे जो होता है ग्लोब से कुछ अलग होता है। ग्लोब क्या होती है? पृथ्वी का वैसा ही रूप है, एक छोटा, यानी कि ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब क्या है? अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है, सेम। और राउंड शेप में होती है, तो हम आसानी से उसमें धरातल, जो मतलब महासागर है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन है, उनको वैसा का वैसा उसमें देख सकते हैं। लेकिन मैप में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है मैप किस में बनता है, कागज पर बनाते हैं या पोस्टर टाइप का अपन बड़ा बना के उसको दीवार पर टांग सकते हैं। तो ये तो क्या बिल्कुल समतल होता है, तो इसमें अपन ग्लोब की तरह शो नहीं कर सकते वैसा का वैसा। तो ये दोनों में एक मुख्य अंतर है, यानी कि कुछ एडवांटेज भी है मैप के, जैसे मैप को अपन कहीं भी ले जा सकते हैं, उसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। लेकिन ग्लोब के मुकाबले ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, ये अपन को पक्का ध्यान होना चाहिए। चलिए अब आगे अपन देखते कि मैप के एडवांटेज क्या है, यानी कि इसमें क्या खूबियां होती है। तो देखिए, मैप हैव स्पेशल एडवांटेज ऑफ देयर ओन, दे कैन बी कैरीड एंड हैंडलेड इजीली। यानी कि एक तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि मैप को हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे मैप को अपन एक कागज पर भी मैप आ सकता है, एक पढ़ने पर भी, तो उसको अपन जेब में डाले कहीं भी ले गए। लेकिन ग्लोब को अपन ऐसा नहीं कर सकते। और जो मैप की बुक होती है उसको अपन कहीं भी ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर, जहाँ बहुत सारी मैप हमारे पास होती है। तो जो मैप की बुक होती है उसको क्या बोलते हैं? एटलस। क्या कहेंगे उसको? एटलस। तो एटलस का मतलब जो मैप की बुक होती है उसको अपन एटलस कहते हैं। तो इसके अलावा अपन मैप में क्या, जैसे रोड, रेलवे लाइन, टाउन, विलेज, ये सब अपन शो कर सकते हैं, जबकि ग्लोब में ऐसा शो अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ग्लोब तो एक पृथ्वी का छोटा रूप है, उसमें अपन इतनी चीजें कहाँ से डालेंगे। उसमें तो अपना देश जो जैसे इंडिया है वो भी बहुत छोटा सा हिस्सा उसमें दिखाई देता है। तो इस तरह से मतलब मैप के एडवांटेज भी है। अब सबसे पहले जो मैप बनाने का दिमाग की, यानी कि इंसान में आया, वो बहुत साल पहले ही आ गया था। तो लगभग 2300 BC यानी कि ईसा से 2300 साल पहले ही मैप बनाने की तैयारी हो गई थी। तो उस समय जो मिट्टी की स्लेट होती थी उस पर लोग मैप बनाते थे, यानी कि चित्र बनाते थे कहीं के, जैसे किसी गांव का जाने का, एक गांव से दूसरे गांव जाने का रास्ता, इस तरह से वो बना देते थे। तो साइंस के अनुसार जो सबसे पहले मैप बना उसको अपन बोलते कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी मतलब जो साइंस के अनुसार बिल्कुल मैप बना, जैसे अभी बन रहा है। तो ये सबसे पहले इजिप्ट में बना था, और पुराने समय में भी लोग इसको यूज करते थे मैप को। अब अपन देखते हैं कि ये पहले के समय में क्या काम में आता था। तो पहले क्या होता था कि मैप क्यों बनाते थे लोग? एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए, या राजा लोग एक जगह से दूसरे जगह पर युद्ध करने के लिए जाते थे, तो उनको रास्ता वगैरह अच्छी तरह से पहचानने के लिए मैप की जरूरत पड़ती थी। चलिए अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ मैप। तो मैप कितने प्रकार के होते हैं? तो मैप जो होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीन प्रकार? पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थेमेटिक मैप।
अब पॉलिटिकल मैप में क्या आता है, पॉलिटिकल मैप में एक स्टेट से दूसरे स्टेट की जो लाइनिंग होती है यानी कि बाउंड्रीज होती है, एक कंट्रीज की दूसरी कंट्रीज से जो बाउंड्री होती है, पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज है उनकी बाउंड्रीज, ये सब उसमें शो होती है, तो उसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। अभी जैसे राजस्थान का अपन को पॉलिटिकल मैप बनाना हो तो उसमें सब जिलों की बाउंड्री आ जाएगी। फिजिकल मैप किसको बोलते हैं, फिजिकल मैप में क्या होता है कि जैसे नदियां है और रिवर है, ओशियन है, माउंटेन है, ये सब अपन उसमें शो करते हैं, तो ये सब जो शो होता है उसको बोलते हैं फिजिकल मैप। और थेमेटिक मैप क्या होता है, जिसमें कोई विशेष चीज अपन को बतानी हो, जैसे वेजिटेशन बताना हो, इंडस्ट्रीज बतानी हो, क्लाइमेट जोन बताना हो, तो ये सब चीजें बतानी हो तो वो कौन से मैप में बताएंगे, थेमेटिक मैप। तो कौन कौन से मैप हो गए, तीन तरह के, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, थेमेटिक मैप। तो इस तरह से अपन तीन भागों में इनको डिवाइड करते हैं। अब अपन देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप, यानी कि मैप में क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैप में डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस होता है, लोकेशन होती है, यानी कि ये तीन चीजें मैप के अंदर आती है। अब इसमें जो डायरेक्शन होता है, आप इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, जैसे एक मैप बना हुआ है एक के मोहन के घर का। अब मोहन का घर कहाँ पर है, ये स्कूल के पास में, यानी कि स्कूल से जाएंगे अपन, फिर कैसे कैसे घूम के अपन आते हैं और कहाँ कौन कौन से रास्ते आते हैं, वो एक इसमें मैप में शो करा है। तो इसमें एक अपन को स्केल बनानी पड़ती है, जैसे यहाँ पर 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर माना है, क्योंकि अपन इतना बड़ा मैप नहीं बना सकते, तो उसको छोटी स्केल में अपन लेते हैं, जैसे 100 मीटर का 1 सेंटीमीटर ले लिया, या 1000 किलोमीटर का भी अपन 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, जितनी ज्यादा दूरी हो उतना अपन कम स्केल लेंगे। तो इस तरह से स्केल लेके अपन मैप बनाते हैं। अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन होती है मुख्य रूप से चार, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ये चार डायरेक्शन हो गई। अब इनके जो बीच वाली जगह है उसको भी अपन डायरेक्शन मानते हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट कहलाएगी, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट कहलाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। तो ये चार और सब डायरेक्शन हो गई, तो कुल मिला के अपन एट डायरेक्शन में बांट सकते हैं पूरे मैप को। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि मैप में हमेशा ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ, तो सबसे ऊपर मैप में नॉर्थ होगा और सबसे नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। तो इस तरह से अपन को मैप में ध्यान रखना चाहिए डायरेक्शन का। अब डायरेक्शन ऑफ द मैप, मैप में जो डायरेक्शन होती है अभी आपको बताया। अब जो जैसे अपन डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, सिंपल रूप से आपको मालूम है सूरज कौन सी दिशा में उदय होता है, सूरज कौन सी दिशा में निकलता है, पूर्व दिशा में, है ना, तो ईस्ट में निकलता है। तो अगर हम सुबह सूरज के सामने मुंह करेंगे तो हमारा मुंह किधर होगा, ईस्ट की साइड में, हमारा पीछे का हिस्सा कौन से साइड में होगा, वेस्ट में, राइट हैंड में साउथ, नॉर्थ कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड में। तो अगर हमारे को एक दिशा का मालूम पड़ गया, एक साइड का मालूम पड़ गया, तो बाकी तीन साइड अपन इजीली बता सकते हैं। तो अगर किसी को अपन को आप बताना हो कि आपका घर कौन सी साइड में, कौन सी दिशा में है, तो अपन सुबह के समय सूरज की तरफ मुंह करके बता सकते हैं कि हम कौन से साइड में, हमारा मकान कौन से साइड में, ऐसे। तो साइड का मालूम पड़ गया, आप साइड कैसे मालूम करते हैं। अब मैप में जो साइड होती है वो हमेशा नॉर्थ से ऊपर रहती है, ये आपको अभी हमने पहले भी बताया था, और मैप के अंदर ये एन करके मार्क रहती है, एन का मतलब नॉर्थ। और अगर नहीं हो दी हुई, अगर डायरेक्शन नहीं दी हुई हो तो भी ऊपर की साइड को अपन को हमेशा नॉर्थ ही मानना चाहिए। तो अगर नॉर्थ मालूम पड़ जाता है तो बाकी तीनों साइड साउथ, ईस्ट और वेस्ट आसानी से अपन मालूम कर सकते हैं। तो ये जो चार डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये कहलाती है फोर कार्डिनल डायरेक्शन, यानी कि जो मुख्य दिशाएं हैं। इसके अलावा जो चार और दिशाएं हैं जो आपको पहले बताया था, जैसे नॉर्थ ईस्ट,
साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये चार और यानी कि डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन कहलाती है ये, तो कुल मिला के एट डायरेक्शन हो गई। अब अपन आगे पढ़ते डिस्टेंस ऑन द मैप, यानी कि मैप में जो डिस्टेंस होता है वो अपन कैसे रखते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए, आपको अभी पहले बताया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ से अपने राजस्थान से लेकर और कश्मीर तक का अपन को इलाका दिखाना है मैप में, अपने यह पूरे इंडिया का पूरा एरिया दिखाना है, तो क्या अपन मैप में दिखा सकते हैं वैसा का वैसा, क्योंकि वो तो हजारों किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, तो इतना किलोमीटर का अपन मैप नहीं बना सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपन स्केल यूज में करते हैं। तो स्केल को क्या बोलते हैं, लाइनर स्केल। तो जो लाइनर स्केल होती है उसमें अपन कितना भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जितना अपन मेजर लेते हैं उसको अपन मैप के नीचे शो करते हैं। अब जैसे दो तरीके से शो कर सकते हैं, एक तो अपन लिख सकते हैं कि जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर, तो यहाँ साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि 1 किलोमीटर को हमने मैप में 1 सेंटीमीटर के अंदर रखा है। तो अगर मैप को नाप के अपन 5 सेंटीमीटर नापते तो इसका मतलब 5 किलोमीटर। जैसे दो शहरों की अपन को दूरी मालूम करनी है और 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 10 किलोमीटर दूर है वो दोनों एक दूसरे से। तो इसको बोलते हैं कौन सा मेथड बोलते हैं इसको, ये कहलाता है स्केल बाय ए स्टेटमेंट। अब दूसरा होता है प्रेक्षण मेथड। तो प्रेक्षण मेथड में क्या होता है, जैसे 1/10 लेंथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जो 10 लेख है उसका 1 पार्ट है यहाँ पर, जैसे 10 लेख सेंटीमीटर अगर इतना एरिया है तो उसको हम मैप में केवल 1 सेंटीमीटर के रूप में ही व्यक्त कर रहे हैं। तो ये दो तरीके हो गए, एक तो लाइनर स्केल और एक प्रेक्षण स्केल। तो इस तरह से अपन डिस्टेंस को मैप में शो करते हैं। अब आगे देखिए यूज ऑफ सिंबल इन ए मैप। मैप में बहुत से सिंबल बने हुए रहते हैं, उनका यूज कैसे करते हैं। तो सिंबल का मतलब क्या होता है, चिन्ह। तो देखिए जैसे अपन को पहाड़ दिखाना हो मैप के अंदर, है ना, पहाड़ियाँ दिखाना हो, फुटपाथ दिखाना हो, रिवर दिखाना हो, टैंक दिखाना हो, डैम दिखाना हो, ब्रिज दिखाना हो, या कोई पुलिस स्टेशन दिखाना है, टेम्पल दिखाना है, तो वो सब अपन मैप में तो नहीं दिखा सकते, बना तो नहीं सकते इतना बड़ा बड़ा, इतना बनाएंगे तो मैप उसी में पूरा भर जाएगा। तो क्या करते हैं, उसके लिए कुछ चीन बने हुए रहते हैं, सैंपल रहते हैं। तो जो सैंपल होते हैं फिक्स पूरे वर्ल्ड में वो सेम होते हैं, उसको बोलते हैं अपन कन्वेंशन सैंपल। तो कन्वेंशन नल जो सैंपल होते हैं उसका मतलब कि वो पूरे वर्ल्ड में सेम सब जगह वैसा का वैसा यूज करते हैं। जैसे रोड का जो चिन्ह बना हुआ है आप चित्र में देख रहे हो अपने वीडियो में, फुटपाथ का कैसा बना हुआ है, रिवर का किस तरह से बना हुआ है, तो ये सबके चिन्ह अलग अलग तरीके से बने हुए हैं, तो एक जैसा सेम नहीं बना हुआ है किसी में। तो इन चिन्हों से अपन पहचान सकते हैं कि ये क्या चीज है। अब इसके अलावा कभी कलर के अनुसार भी अब यानी कि अपन पहचान सकते हैं, कलर भी फिक्स होता है। तो कलर जैसे कि जो ओशियन होता है या वाटर बॉडीज होती है कोई भी, तो उसका ब्लू कलर होता है। ऐसे प्लेन को दिखाना हो तो ग्रीन कलर काम में लेते हैं, अपलैंड येलो कलर में दिखाते हैं, जो माउंटेन यानी कि पहाड़ होते हैं उनको ब्राउन कलर में अपन दिखाते हैं, और जो हिल होती है पहाड़ियाँ होती है उनको व्हाइट कलर में अपन दिखाते हैं, जो स्नो हिल्स होती है जहाँ बर्फ गिरती है उनको व्हाइट कलर में अपन दिखाते हैं। तो इस तरह से अपन मैप में सैंपल शो करते हैं। तो सैंपल आपके समझ में आ गया। अब देखिए प्लान, जो प्लान होते हैं यानी कि प्लान बनाते हैं अपन कोई चीज का, यानी खाका बनाते हैं एक तरह से। जैसे आपको कह दिया कि आपके कमरे का एक नक्शा बनाइए, कमरे के अंदर का, जैसे आप बुक इसमें वीडियो में देख रहे हो एक की स्कूल के एक कमरे का यहाँ पर मैप बना हुआ, सबसे ऊपर ब्लैक बोर्ड है, फिर उसके नीचे टीचर्स की टेबल है, फिर मोहन कहाँ बैठता है उसकी डेस्क है, और उसके बाद में दूसरी डेस्क बनी हुई है, दोनों तरफ विंडो है और ऊपर की साइड में दोनों तरफ डोर है। तो ये एक कमरे का
स्कूल के रूम का नक्शा है, यानी कि प्लान है। इसको अपन खाका भी बोलते हैं। तो इस तरह से अपन जो बनाएंगे तो उससे पूरा रूम के अंदर की अपन को मालूम पड़ गई लोकेशन, डिस्टेंस सब। अब यहाँ पर स्केल भी बनी हुई है नीचे, तो इस स्केल से अपन को डिस्टेंस भी मालूम पड़ जाता है। तो इस तरह से अपन जो छोटी जगह होती है उसके लिए अपन जो ये प्लान होता है उसको अपन बनाते हैं। तो ये एक तरह से आउटलाइन ड्राइंग होती है जो किसी छोटे एरिया के लिए काम में लेते हैं। अपन स्कूल के एक रूम के क्लासरूम के लिए ऐसा बना सकते हैं, अपने घर के एक कमरे के लिए बना सकते हैं, अपने घर के लिए पूरा बना सकते हैं, कोई मॉल है वहाँ के लिए बना सकते हैं, सुपरमार्केट है उसके लिए बना सकते हैं। तो जो छोटी चीज़ है उसको अगर अपन को विस्तृत रूप से बताना हो तो उसमें अपन ये चीज़ काम में लेते हैं प्लान। तो आपके समझ में आ गया ये। अब आगे देखिए अपन स्केच क्या होता है। तो स्केच किसको बोलते हैं? स्केच होता है कोई मतलब अपन खाका खींचते हैं उसी को स्केच बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस क्या होता है? तो जैसे आपने पहले मोहन के घर का एक नक्शा देखा था वीडियो के अंदर, अब उस मोहन के घर के नक्शे से अपन घर पर जाने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ अपन को निशान नहीं बने हुए कि किधर से कैसे जाना है। तो स्केच में क्या होता है कि मतलब भी बिल्कुल आसानी से बताया जाता है कि अपन को किधर घूमना है, कैसे जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए कि मान लो अपन को मोहन के घर पर जाना है, तो एक इसमें स्टोरी दी हुई है। जैसे मोहन अपने दोस्त को इनवाइट करता है शाम को अपने बर्थडे के लिए घर पर आने के लिए। अब शाम कभी मोहन के घर पर पहले नहीं गया था, तो अब मोहन उसको बताता है कि तुम कैसे आना मेरे घर पर। वो कहता है कि आफ्टर यू कम आउट ऑफ द स्कूल गेट, यानी कि स्कूल गेट से जब आप रवाना होगे, टेक ए टर्न टू द राइट, तो राइट में सबसे पहले घूमना, एंड यू विल रीच द मेन रोड, तो राइट में घूमते ही तुम बिल्कुल मेन रोड पर आ जाओगे। देन टेक ए टर्न टू द लेफ्ट, और फिर तुम लेफ्ट में घूम जाना, एंड वॉक सम डिस्टेंस एंड यू विल रीच ए टेम्पल, और थोड़ी सी दूर आगे चलने पर तुम्हारे को एक मंदिर दिखेगा, वहाँ पहुँच जाओगे। वॉक पास्ट द टेम्पल एंड सन यू विल सी ए रो ऑफ फ्लैट, अब तुम टेम्पल के कुछ आगे चलोगे तो तुम्हें एक फ्लैट बने हुए दिखेंगे। देर इज ए रोड क्रॉसिंग, उसके बाद तुम्हारे को एक रोड क्रॉस करती हुई दिखाई देगी। अब जो रोड क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है वहाँ से टर्न लेना है लेफ्ट की ओर, और कुछ ही दूर चलना है। वहाँ पर कुछ दूर चलने के बाद में एक मार्केट दिखाई देगा, और जैसे ही तुम मार्केट से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर मेरा घर दिखाई दे जाएगा। तो एक तरह से उसने अपने घर का पूरा खाका खींच दिया, स्केच खींच दिया। अब उसने शाम को बता तो दिया, लेकिन शाम जरूरी तो नहीं है कि ये सब चीज़ें याद रखेगा, वो भूल भी जाएगा, भूल भी सकता है, इतना याद तो नहीं रख सकता कोई। तो अगर वो उसको लिख के ये सब चीज़ें दे दे तो वो कभी नहीं भूलेगा और कभी रास्ता नहीं भटकेगा, वो आराम से मोहन के घर पर पहुंच जाएगा। तो अगर लिखित रूप में अपन ऐसा देते उसको बोलते अपन स्केच राइटिंग। तो देखिए आप जैसे फिगर बना हुआ है इसमें बिल्कुल एरो बना हुआ है कि अपन मेन रोड से कैसे जाना है, स्कूल से पहले किधर घूमना है, कैसे जाना है, वो एरो के माध्यम से आराम से अपन मोहन के घर पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बताया। अब हाउ टू स्टडी ए मैप, यानी कि मैप का अपन स्टडी क्यों करते हैं? तो अपन को मालूम है कि मैप के अंदर डिस्टेंस, डायरेक्शन और बहुत सी चीज़ें होती है, तो किस तरह से अपन को मैप की स्टडी करनी चाहिए, कैसे मालूम करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि या तो मैप में एन बना हुआ रहता है, एन का मतलब नॉर्थ, अगर नहीं बना हुआ हो तो भी सबसे ऊपर वाली जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ लाइन कहलाता है। इसके बाद में जो नॉर्थ की लाइन होती है उससे हमें यानी कि बाकी जो दूसरी साइड होती है वो आसानी से मालूम पड़ जाती है। अब जैसे स्केच खींचा है उसमें, इसमें भी नॉर्थ लिखा हुआ है स्केच में, और नॉर्थ यानी कि मोहन का घर किस तरफ है, नॉर्थ की ओर है। अब यहाँ पर आपको एक कल्याण टाउन जो है वहाँ का ये मैप पे दिखाया गया है, इसमें बिरजपुर दो जगह है,
एक देवपुर और एक बिरजपुर, तो उसके बीच का नक्शा यहाँ पर बताया गया है कि इस नक्शे के माध्यम से अपन कैसे पहुंचते एक जगह से दूसरी जगह पर। तो बिरजपुर और इसका डिस्टेंस भी यहाँ पर बताया गया देवपुर का, कि ये कितना डिस्टेंस है, रेलवे लाइन वगैरह इसमें सब बनी हुई है। तो इसके माध्यम से अपन आसानी से उसका डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं और कैसे पहुंचते वो भी मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन मैप का स्टडी करते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियोस के माध्यम से ये चैप्टर समझ में आया होगा कि मैप का क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। वेलकम टू डीके वीडियोज। बच्चों आज अपन